नमस्कार, मैं दुष्यंत प्रताप सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ये जो यहां सब ये जो दिग्गज मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं दिल से आप सबकी उपस्थिति का। और आज ये छोटी सी जो वार्ता है, इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कि आज हम लोगों की एक नई फिल्म जिसका टाइटल है लाल अयोध्या, उसका टाइटल लॉन्च है। और ऐसे बहुत कम ही भाग्यशाली लोग हैं इंडस्ट्री में बतौर निर्देशक, जिन्हें कि अपने जब किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों का जिन्हें आशीर्वाद मिलता है, और मैं लकीली उनमें से एक हूँ। और मैं अपनी जितना भी मेरा अब तक जो काम किया है मैंने इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ उसका एक जब फल मिलता है आपको, तो आज का दिन शायद वो फल ही है कि आज हमारी भारतीय सिनेमा के दिग्गज श्री पहलाज नेहलानी जी का आशीर्वाद हमें मिला और उन्होंने मेरी फिल्म लाल अयोध्या का टाइटल लॉन्च किया। और मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री अमरजीत मिश्रा जी, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और जिन्होंने इस फिल्म की स्टोरी भी एग्जैक्टली उनकी अपने द्वारा लिखी गई स्टोरी है, और बतौर कैरेक्टर भी वे शायद इस स्टोरी का बैकएंड हिस्सा है, क्योंकि लाल अयोध्या में जो जितना भी घटनाक्रम हुआ है वो उस घटनाक्रम के खुद एक सशक्त पात्र है। और वहीं पे इस फिल्म का संगीत जो निर्देशन है वो श्री आनंद शर्मा जी कर रहे हैं, और उनके साथ काम करना मेरे लिए मतलब परम सौभाग्य की बात है। बहुत इंडस्ट्री के ऐसे कम निर्देशक होते हैं जिन्हें इतने गुणी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। एक लेगेसी है आनंद जी की संगीत घराने में, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। और क्योंकि आज की इस जो ये आयोजन है, इसका जो मुख्य दारोमदार है हमारे बॉस हैं और हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज शख्सियत हैं श्री पहलाज नेहलानी जी, तो मैं अनुरोध करूंगा पहलाज जी से कि वो दो शब्द जरूर कहें। नमस्कार जी, आज जो है मुझे ये मौका मिला है अमरजीत जी के द्वारा और दुष्यंत और आनंद जी के द्वारा और पंडित जी हमारे जो है खास इस कार्यक्रम के लिए आए हैं उज्जैन से, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लाल अयोध्या जो एक रियल इंसिडेंट है, और रियल इंसिडेंट अगर कहें यहाँ राम लल्ला की जो है आज जो सब देख पा रहे हैं, इस कहानी के माध्यम की वजह से आज हम राम लल्ला जी को अपने स्थान पे अयोध्या में देखने जाएंगे जब ये फिल्म कंप्लीट होगी। और जो ये चश्मदीद गवाह है और चश्मदीद लोगों का जो सहयोग जो इनको मिला या ये इन्होंने लोगों को सहयोग दिया, तो मुझे लगता है तब ये जाके पॉसिबल हुआ कि सारी सरकारें तो लगी हुई थी, किसने कुछ खोया किसने आज जाके कुछ पाया। मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने इसकी नींव रखी हिंदुत्व के लिए, एक अपनी आस्था के लिए, रामलला के को छत देने के लिए, वो शुरुआत कहीं और से हुई थी और ख़त्म जाके कहीं और हुई। जो जिन्होंने पहल की वो तो आज रहे नहीं, लेकिन आज जो उस टाइम नहीं रहे आज उनकी वजह से राम लल्ला जो है का दर्शन हम कर पा रहे हैं। और अयोध्या जो है जिसमें इतना खून बहाया लोगों की आस्था की वजह से, ताकि राम लल्ला जो है अयोध्या में लौट आए और हमें जो है एक प्यार और मोहब्बत, एक मर्यादा जो है हम लोगों की संस्कृति जो है, एक देश में जो हमारी कल्चर था वो हमसे दूर बिकॉज ऑफ फिल्मों के माध्यम से, या जो आज टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसके माध्यम से जो है लोग अश्लीलता जो है फैला रहे हैं, लेकिन राम मंदिर आने से लोगों को आस्था जो है राम लल्ला की वजह से जो एक पैदा हुई है मन में श्रद्धा और भाव और संस्कार, तो मुझे लगता है ये बड़ा कदम था। इनका शेयर जो है अमरजीत को भी जाता है जिन्होंने पूरी फाउंडेशन के टाइम में जो ना एक ईंट जो है उस टाइम रखी थी, और उसका जो है आप जनता इस फिल्म के जब रिलीज़ होगी तो आप इसमें विटनेस होंगे और आपकी आस्था जो है रामलला में जो थी उससे ज़्यादा बढ़ेगी। यही मेरे दो शब्द है आप तक मैसेज पहुंचाने का,
और आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस पोस्टर को रिलीज करूं, तो मैं धन्यवाद फिर से दुष्यंत जी को, आनंद जी को, अमरजीत जी को, पंडित जी को देता हूं कि ऐसे कार्य करें जिससे लोगों की भावनाएं जो है बढ़े। धन्यवाद। मैं अभी अनुरोध करूंगा अमरजीत जी से कि वो भी ज़रूर दुष्यंत के, बिकॉज हालांकि हम लोग तो इकट्ठे ही प्रोड्यूसर बोलते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप होता है। सो आई रिक्वेस्ट अमरजीत जी के से फ्यू वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू। हमारे मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये खबर जाएगी। आज का जो पोस्टर लॉन्च है लाल अयोध्या, एक बहुत ही अत्यंत और बहुत ही आप यकीन मानिए बहुत बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई को जिन लोगों ने लड़ा है, जिन लोगों ने इस लड़ाई के लिए लड़ाई में शामिल रहे हैं, जिन्होंने राम के नाम पर अपना जीवन लगा दिया, जिन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेकर के सीने पर गोली खाई, उसकी एक बड़ी दुख भरी कहानी है। आप इसको ज़रूर अपने माध्यम से दिखाएंगे और जब आप यकीन मानिए इस फिल्म को और जब भारत में रिलीज़ किया जाएगा, जब ये फिल्म बनकर के सिनेमा घरों में आएगी, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भारत का कोई भी हिंदू नागरिक इस फिल्म को देखने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। ऐसी एक दुख भरी कहानी है, जब अयोध्या की सड़कें लाल हो गई थी खूनों से राम भक्तों की, उसकी कहानी है लाल अयोध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनके संगीत में मैं समझता हूँ स्वयं ईश्वर वास करते हैं, ऐसे सरस्वती पुत्र श्री आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी से मैं ज़रूर ब्लेसिंग्स चाहूँगा इस फिल्म के लिए। ये मेरा आप सबको नमस्कार। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस तरह के एक सार्थक सब्जेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है। ये सब भगवत कृपा से होता है, तो अमरजीत जी और दुष्यंत जी पे भगवत कृपा रही है तो इस तरह का सब्जेक्ट वो लोग चुन के लेके आए हैं, वरना तो बहुत से सब्जेक्ट्स पे काम किया जा सकता है, पर भगवत कृपा से सब्जेक्ट लेके आए हैं और हमको उस पे काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। प्रहलाद जी हमसे बहुत बड़े हैं और उन्होंने इसका पोस्टर लॉन्च किया है, उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है, इसके लिए प्रहलाद जी आपको भी प्रणाम। और बाकी भगवान राम से ये प्रार्थना है कि सबको आशीर्वाद दें, सब लोग सार्थक काम कर पाए। और पंडित संतोष जी भी हमारे अतिथि हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा आपके भी हमें आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द मिले। आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में यह आवाज़ अवश्य पहुँचनी चाहिए कि धर्म पर जो विजय है, उस विजय के बीच में हमारे धर्म पर कितना कुठाराघात किया गया, कितने प्रहार किए गए, क्योंकि कार सेवा के दौरान मैं भी था और मैं साक्षी हूँ इस चीज़ का कि हमारे आत्मिक भावनाओं का जितना हनन हुआ, हमारे धार्मिक मर्यादा का जितनी हत्या की गई, उन सभी पृष्ठभूमियों पर अगर आप चर्चा करेंगे जब इस पिक्चर को आने आपके समक्ष होगी, तो आप नतमस्तक एक बार जरूर होंगे धर्म के प्रति अपने। आज इस पिक्चर को निर्मित करने का जो उद्देश्य आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी का रहा है, वो महज एक फिल्म नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे धर्म पर कितने प्रकार के प्रहार किए गए, इसके जीवंत तो उदाहरण और एक आचरण के रूप में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम पर की व्यवस्था पर कितना प्रहार किया गया, उसकी पूरी कहानी है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन आ रही है इस चलचित्र के माध्यम से, वो एक अच्छे संस्कार में जरूर ढलेगी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। आपने कैसे सोचा कि इस फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, बीइंग अ प्रोड्यूसर बनूंगा, पहली बार आप बीजेपी लीडर भी रह चुके हैं। मैं इससे पहले अमरजीत भैया इसका आंसर तो मैं बता दूं, ये फिल्म अमरजीत भैया का ड्रीम है। अमरजीत जी देखिए, आज करीबन 1990 में ये गोलीकांड हुआ था, आप 1990 से लेकर के अगर आज देखा जाए तो आज 2024 चल रहा है। 1990 और 2024 में एक जनरेशन का जन्म भी हो जाता है और लगभग बड़े भी हो जाते हैं। क्या वो आंदोलन था, क्या वो कहानी थी, कैसे आज राम मंदिर तो हर आदमी देख रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, इसको देखा, पर इस राम मंदिर के पीछे संत समाज का, कार सेवकों का, शिव सैनिकों का, बजरंग दल का, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का,
पूज्य विजय कौशल जी महाराज का, साध्वी रितंबरा दीदी का, क्या क्या बलिदान रहा, किस तरीके से उन्होंने काम किया, कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, अशोक सिंघल जी राम कार सेवक के दौरान उनको चोट भी लगी, उनका सर भी फटा, कैसे खून बहा, कैसे सड़कों पर खून बहा, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा है लेकिन हमारी नई जनरेशन हमारी नई पीढ़ी नहीं देख पा रही। तो मैं मन में तो पहले उसी दिन से ही था जब ये घटना हुई थी, तो मैंने ये सोच रखा था कि इसको किताब के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक, देश दुनिया तक जरूर पहुँचाऊँगा, ऐसा संकल्प था। कई किताबें लोगों ने लिखी, लेकिन किताबें लोग, आपको भी पता है किताब पढ़ना और लोग कम पढ़ते हैं, ऐसे कम है, लेकिन चलचित्र एक फिल्म ऐसी होती है कि जिसमें 3 घंटे के अंदर हम पूरी चीज़ें समझा सकते हैं जो 500 वर्ष में हुआ। 1-2 वर्ष का संघर्ष नहीं है, 500 वर्षों से लगातार संत समाज को किस तरीके से रोका गया, किस तरीके से कुचला गया, कितने साधुओं को मारा गया, इसकी पूरी लंबी गाथा है लाल अयोध्या जी। क्वेश्चन सर, जैसा कि देखा गया है कि आपकी जो फिल्में होती हैं उनमें कुछ नयापन होता है, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आप लेकर आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पर पहले भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, आने वाले टाइम में भी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, तो जब इस कॉन्सेप्ट को आपने सुना तो क्या नयापन लगा कि इसके लिए आप एग्री हो गए और इसमें क्या नयापन देख पाएंगे? जीवन में हर दिन एक नई कहानी होती है, और ये तो अयोध्या की बात है तो ये तो सैकड़ों, जैसा अभी अमरजीत मिश्रा जी बता रहे थे कि 500 वर्षों का इतिहास है, और मेरे बगल से जो दिग्गज बैठे हुए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि मुझे ज़्यादा तो बोलने की अनुमति भी नहीं है और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, कि उनका बड़ा दिल देखिए, वटवृक्ष ऐसे होते हैं उनको, वो हमेशा झुकते हैं कि अयोध्या के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है आदरणीय श्री पहराज देलानी जी का, उसके बावजूद वो यहाँ, हम, मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, तो मेरी फिल्म के प्रमोशन के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है, ऐसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे। तो ये भी कहानी, तो ऐसे ही ये लाल अयोध्या भी एक उसी 500 वर्षों के अंतराल से चुराए गए कुछ ऐसे लम्हे हैं, मैं समझता हूँ कि जब ये पब्लिक के सामने आएंगे तो वो आपको चमत्कृत कर देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हाँ, जीवन को क्या ऐसे भी जिया है लोगों ने। ये कहानी तो देखिए जब सिनेमा आएगा तभी आपको पता लगेगा, आज तो सिर्फ हम टाइटल में बात करने आए हैं। जैसे अमरजीत जी ने कहा कि आप बीती कहानी है, जो एक्चुअल हुआ लोगों तक नहीं पहुंचा वो इसमें देखने को मिलेगा। कहानियां तो रोज बनती है और रोज नाम रामलला जी के नाम पे भी बनती है, अयोध्या के नाम पे भी बनती है, और बहुत से विवादित जो है पिक्चरें भी बनी है जिसको सेंसर बोर्ड ने पास भी नहीं किया। लेकिन आज ट्रू बेस जो कहानी होती है, दो तो एक चीज़ इसमें रियल है, एक तो जो अयोध्या में ये सारी ज़मीन जो है अयोध्या की लाल हो चुकी थी गोलियों से, पूरा भरा हुआ था, जिन्होंने उस टाइम पार्ट लिया था उसमें से 90% लोग आज जीवित नहीं है, सरयू का पानी लाल हो गया था। आज जो है जिस तरह से इसकी जो ना सिर्फ एक दिन में सोचा और ढांचा जो है गिरा नहीं, ढांचा गिरते में 6 साल की जो है इसके अंदर मेहनत थी और प्लानिंग थी और कई बार फेल हुई, लेकिन जो है एक पॉलिटिकली इसके अंदर जितना हाथ था कि नहीं था, लेकिन आस्था का हर इंसान में जो वहाँ मौजूद थे और उनको एक जब पता चला अपने खून से जो है लिखी हुई जो है ना वचन जो है ना लोगों ने दिया कि भैया ये हम इसको तोड़ के ही रहेंगे, हम रामलला को वहाँ से बाहर निकाल के ही रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है एक मुझे लगता है रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं, जो लोगों तक इमोशनली लोग जो है रामलला से जुड़े हुए, सांस्कृतिक वे से जुड़े हुए हैं और धर्म के नाम से जो है ना लोग अलग अलग प्रचार करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है ना मैं जो अयोध्या में जिस तरह से लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वो इंसान रहते हैं वहाँ पे, ना कोई हिंदू रहता है ना कोई मुस्लिम रहता है, वहाँ पे एक इंसानियत की जो फ़र्ज जो है अयोध्या में जो है लोगों ने निभाया, उसमें कई होंगे जो मुस्लिम भी होंगे लेकिन कार सेवक बन के जो है ना काम किए होंगे, लेकिन वो उनकी आस्था थी। मैं धर्म के मामले में नहीं जाता, लेकिन जो है ना एक विश्वास और एक जो था कि एक जब लल्ला जी की जो है वहाँ पे मूर्ति निकली, उसके बाद जो है ना उन लोगों को हिम्मत आई कि चलो भाई हम प्रोटेक्ट हो गए तो हम ये करते, तो वो एक आस्था थी। और जो अमरजीत जी ने इतना उसके अंदर पार्ट लिया है
और उन्होंने मतलब सारी चीज़ें दुनिया के सामने ला रहे हैं, बाकी तो लाते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, सुनी सुनाई बात पे आते हैं, जिसके साथ आप बीती हो और आप जो है खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो मुझे लगता है वो लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाएंगे, लोगों को विश्वास जो है मर्यादा से जो निकल चुका है, आज श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे, लेकिन उसके रास्ते पे मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पे कोई चलने को आज तैयार नहीं है। आज जिस तरह से अनबन और जो है ना लोगों में एक डिवाइडेड हो चुके हैं, वो हो गए या कर रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जो है विश्वास से, जिस विश्वास से अमरजीत और दुष्यंत जी और आनंद जी और ये पूरी टीम जो है इसमें योगदान दे रही है, मुझे लगता है इनका सबको चरण छूने चाहिए, इनके जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक सही मानव में सही अयोध्या की कहानी को जो है ना दौड़ा के लोगों तक पहुंचाएंगे। हम लोगों का प्लान है कि जुलाई में हम लोग शूट करेंगे इस फिल्म का, अभी प्री प्रोडक्शन चलेगा, इवन बहुत हम हेल्प भी लेंगे सब लोगों की, और आफ्टर दैट नवंबर में हम लोग का प्लान है कि फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। तो शूटिंग अयोध्या में होगी? अयोध्या आसपास कई जगह है, प्लस एक क्योंकि एक जर्नी भी है इसमें, तो हिंदुस्तान में कई जगह पे इसका शूट होगा। सर, मैं सवाल आपसे कि ये साल बहुत बढ़िया नहीं रहा है बॉलीवुड के लिए, इस ईद पर भी जो फिल्में आई जो बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, ट्रेड वाले काफ़ी टेंशन में है, पब्लिक थिएटर में जा नहीं रही है, आप खुद एक प्रोड्यूसर है, आपकी क्या राय लग रही है कि जो बड़ी फिल्में थिएटर में चल रही है लेकिन पब्लिक नहीं जा रही है, क्या दिक्कत है? देखिए क्या है, जब बड़ी फिल्म आती है ना तो बड़ी फिल्म का जो है मार्केटिंग बहुत होती है और उसका जो है ना चर्चा जो है ना सब जगह पहुंचता है और सबको देखने का मन करता है, जिसमें सबका देखने का मन हो और उनकी इच्छा के हिसाब से वो चीज़ प्रोडक्ट ना आए तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उसको जो है ना एकदम खरोच के रख देते हैं और ख़त्म कर देते हैं कि भैया ये फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जिस पिक्चर की चर्चा नहीं होती, जिसको सिनेमा बराबर नहीं मिलते, सिनेमा वाले को जो है विश्वास नहीं होता कि ये फिल्म भी चल सकती है, तो ये है सारा विश्वास का खेल और अपने बिजनेस का। अब जो ना ये पहले होते थे कि प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर अपने जिम्मेदारी से फिल्म चलाते थे, सिनेमा वाले अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, प्रोड्यूसर अपनी निभाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी निभाते थे, लेकिन आज जो है ना पैसों का खेल हो गया, इसलिए जो है आप दुकान में जाते हो तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ लोगे ना, उनकी दुकानदार वाले की मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं लोगी, तो वो फ़र्क जो है आज की डेट में हो गया कि जब तक उसकी जो है माउथ पॉलिसी ना हो, आज दिल्ली में इधर उधर बम्बई में वड़ा पाव जो है बहुत बिकता है, हर गली में हर चौराहे पे हर रास्ते पे आपको मिलेगा, लेकिन आज दिल्ली में वड़ा पाव जो है ना लड़कियाँ बेच रही हैं, अपना घर भी चला रही हैं और सब कुछ चला रही है, लोग लाइन से खड़े रह रहे हैं, तो वड़ा पाव में टेस्ट होगी तो होगी, लड़की को तो देखने नहीं आए, वड़ा पाव की भी टेस्ट है और हाथों में जो है बरकत होती है तो होती है, तो हमारी फिल्मों में जो है आज वो बरकत ख़त्म हो गई है, उसके ज़िम्मेदार न सिर्फ सिनेमा वाले हैं, एक्टरों की प्राइस है, पिक्चर तो बिजनेस कर रही है लेकिन पहले 25 थिएटर में मुंबई में लगती थी, आज 4000 थिएटर में लग रही है, तो बहुत फ़र्क हो गया ना, गली गली में टर्न करो वहाँ पे सिनेमा है उसमें पिक्चर लग रही है, किसमें 5 आदमी मिलेंगे किसमें 7 मिलेंगे, बड़ी बड़ी फिल्म का जो है शोज जो है ना कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि पिक्चरें अच्छी नहीं बना रहे हैं, उनको लगता है स्पाई की है तो स्पाई को कर दो, पाकिस्तान को खरोद रहे हैं बुरी तरह से, अरे कितनी पिक्चर पाकिस्तान पे बनाओगे, अब पाकिस्तान का जो है ना कोई किस्सा है ही नहीं, लोग भूल गए हैं, अब अपने ही देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, बहुत सारे किस्सा, करेक्ट, आज पाकिस्तान का मुस्लिम और इंडिया का मुस्लिम का बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है कि देश में क्या हो रहा है, हम देश को नहीं संभाल पा रहे और फिल्मों में पाकिस्तान और उसको क्या करेंगे, तो ये बहुत फ़र्क हो गया, फिल्म अच्छी बनेगी तो चलेगी और सिनेमा वाले फिल्मों को जो है ना प्रॉपर
जिस तरह से बेटी की शादी होती है घर वाले करते हैं, उस तरह से फिल्म को टेकिन केयर नहीं होगा कि कहाँ पे पिक्चर लगनी चाहिए कहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, तब तक फिल्में नहीं चलेगी। उसके ज़िम्मेदार सिनेमा वाले हैं और प्रोड्यूसर सिर्फ चूना लगा रहे हैं कॉर्पोरेट ऑफिस को, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, अपना पैसा खून लगे तो जो है ना दम आता है। जिसमें कार सेवकों ने अपना खून देके मंदिर बनाया तो उसकी बात जो है बात अलग होती है। आपका खून के बदले पानी लग रहा हो तो पानी प्यास बुझाएगा लेकिन भूख तो नहीं मिटा सकता ना। करेक्ट। पहला जी आपका क्या सहयोग रहेगा दूसरे जी को अमर जी सर? अरे मैं तो बॉस है आप ही। मैं तो मतलब यहाँ बैठा हूँ, जो मेरे दोस्त हैं मित्र हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके साथ पहला हमेशा कर रहा हूँ। बॉस की छत्र छाया में, बॉस के निर्देशन में और अच्छाई के साथ हमेशा जो है मैं होगा। क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट सर आप क्या कुछ कर रहे हैं? आपकी भी फिल्म एक आई थी आप क्या कुछ कर रहे हैं? उससे जो आ गई जो बीत गया आगे बढ़ो, पीछे क्या हो गया वो जिंदगी में कभी देखो मत। जिंदगी में जीना है और लोगों को जीने देना है तो पिछला मत देखो, किसने मारा किसने किया, नई उम्र के साथ नई सोच होनी चाहिए और हर दिन नए ख्याल आते हैं तो उस पर आगे बढ़ना है हमको, पीछे मुड़ के नहीं देखना। थैंक यू सो मच।